कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज यमुनानगर के जिला इकाई द्वारा हरियाणा सरकार के विरुद्ध कर्मचारियों ने रोष मार्च निकाला। रोष मार्च से पूर्व अलग अलग विभागों के कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कन्हैया चौक के पास एकत्रित हुए। यहां उपस्थित कर्मचारियों को संघ के नेताओं ने संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर प्रहार किए। इसके पश्चात कर्मचारियों ने हाथों में बैनर व झंडा लिए हुए रोष प्रदर्शन निकाला तथा सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड तथा व्हीकल रिमूवर वाहन भी साथ में रखे हुए थे। सर्व कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव नरेश कुमार ने कहा कि कौशल रोजगार नाम पर दिए जाने वाला रोजगार बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक है। इसे तुरंत बंद किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए तथा कच्चे कर्मियों की भर्ती की बजाय पक्के कर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाए। इसके अलावा उन्होंने सर्व कर्मचारी संघ की अन्य मांगों को भी गिनवाया। जी भाई साहब, क्या था आज मामला, किस उपलक्ष्य में निकाला जी? मैं नरेश कुमार, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज हमारा यमुनानगर जिले का प्रदर्शन था जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और हम हर जिले के अंदर 16 जुलाई से लगे हुए हैं। 30 जुलाई तक हमारे हर जिले के अंदर बड़े बड़े प्रदर्शन हैं और हमने जो मांगे रखी हैं उन मांगों को लेके जब नायब सिंह मार्च में मुख्यमंत्री जी बने हमारे माननीय नायब सिंह जी, तो हमने अपना मांग पत्र भेज के अपील की कि कर्मचारियों की बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए। 2 लाख के करीब कच्चे कर्मचारी हो चुके हैं जिनको रेगुलाइजेशन करने की बिल्कुल सख्त जरूरत है। इन विभागों को चलाते हैं, बिल्कुल पक्के कर्मचारियों के बराबर काम करते हैं, एक तरह से सरकार को चलाने का काम करते हैं, लेकिन उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। ये बड़ी मांग है हमारी। दूसरी हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन सरकार लागू करे। जब ये कर्मचारी सारे रिटायर होंगे तो इनको पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए जरूरी है कि पुरानी पेंशन को सरकार लागू करे। कौशल निगम को बंक किया जाना चाहिए। अगर कच्चे कर्मचारी लगाने भी हैं, पहली बात तो लगाए ना, सरकार रेगुलर भर्तियां करे। जो विभागों के अंदर खाली पोस्टें पड़ी है सरकार उन पर रेगुलर भर्तियां करे, और अगर लगाने भी पड़े तो समान काम समान वेतन और इनको हर तरह की फैसिलिटी पक्के कर्मचारियों के समान दी जानी चाहिए, इनको रेगुलर किया जाना चाहिए। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग सरकार को गठन करना चाहिए। बहुत से विभागों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां अब तक खड़ी हैं। 7वां वेतन आयोग जा चुका है, अब 8वां आने को है, ऐसे में भी अब तक विसंगतियां खड़ी हैं, तो सरकार ये वेतन विसंगतियां दूर करे और बड़ी बात है इन जन सेवाओं के विभागों को बचाए, इनमें भर्तियां करे सरकार। अगर ये विभाग नहीं होंगे तो जन सेवाओं के काम भी नहीं हो पाएंगे। तो हमारा आज ये बड़ा प्रदर्शन था और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और मांगों को पूरा करे। अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम फिर अगला कदम जो हमारा होगा, सरकार किसी भी तरह से सुनवाई भी नहीं जा रही तो हम भी फिर जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे और ये कहेंगे कि सरकार हमारी बात को पूरा करे, नहीं तो फिर सरकार को इसका जो नुकसान है वो लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा और इस चुनाव में भी कर्मचारी भी सरकार के विरोध में काम करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।